वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन कौन सा किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? स्टमक पे। स्टमक का शेप कैसा होता है, स्टमक की साइज क्या होती है, इसके कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं, फंक्शन क्या क्या है, ब्लड सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई कौन करता है, इन चीजों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किन किन चीजों पर डिस्कस किया था? फेरिंग्स पर डिस्कस किया था और अपन ने इसोफेगस पे डिस्कस किया था। एक बार अपन इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स को अपन ने डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से अपन ने फेरिंग्स को तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए फेरिंग्स को अपन ने तीन भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले क्या है? नेजो फेरिंग्स आता है। देन आफ्टर क्या आता है? ओरो फेरिंग्स आता है। ओरो फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंजो फेरिंग्स आता है। यानी कि अपन ने जो फेरिंग्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, उसको तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है। जो तो तीन भाग हैं ये कौन से हैं? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स हैं। नेक्स्ट अपनी एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स के अंदर क्या है? ये अपनी नेजोफेरिंग्स दिखाया गया है, ओरोफेरिंग्स दिखाया गया है, लैरिंजोफेरिंग्स दिखाया गया है, इसोफेगस है, ट्रेकिया है, एपिग्लोटिस है, टंग है, ओरल केविटी है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, नेजल साइनस है, नेजल केविटी है, फेरेंजल साइनस है, ये इसके अंदर क्या है दिखाए गए हैं। द नेजोफेरिंग्स इज द इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेशन। नेजोफेरिंग्स क्या है? वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। द ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स आर पास कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सेकेंड और थर्ड जो क्या है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स है, वो क्या है दोनों के कॉमन है, पाथवे है इनका, और ये रेस्पिरेटरी में भी हेल्पफुल है और डाइजेस्टिव में भी हेल्पफुल है, ये दोनों के अंदर हेल्पफुल है। द फूड पास फ्रॉम द ओरल केविटी इन टू द फेरिंग्स देन द इसोफेगस बिलो विद विच इज कंटिन्यूस। क्या है? फेरिंग्स से क्या है, ओरल केविटी से किससे कनेक्ट रहता है फूड? सबसे पहले ओरल केविटी में आएगा, ओरल केविटी के बाद क्या है अपना जो फेरिंग्स है उसका अपर पार्ट ओरल केविटी से कनेक्ट रहता है और नीचे जो लोअर पार्ट है वो इसोफेगस से कनेक्ट रहता है। तो इसके अंदर क्या है, ओरल केविटी से किस में आएगा? फेरिंग्स में आएगा और देन आफ्टर किस में जाएगा? इसोफेगस के अंदर जाएगा। जो वॉल है फेरिंग्स की वो कितनी लेयर के अंदर बनी हुई है? तीन लेयर के अंदर बनी हुई है। सबसे पहली कौन सी है? लाइनिंग मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। सेकेंड क्या है? मिडिल लेयर। और थर्ड क्या है? आउटर लेयर। जो जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है म्यूकोसा वो क्या है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। जो अपनी म्यूकोसा जो है वो किससे बनी रहती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी रहती है। जो मिडिल लेयर है वो किससे बनती है? फाइब्रस टिश्यू से बनती है। और जो आउटर लेयर है वो किससे बनती है? नंबर ऑफ इन्वॉलंटरी मसल्स, जो अपने इन्वॉलंटरी मसल्स है उनसे मिलके बनी रहती है। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो जो ब्लड सप्लाई है फेरिंग्स को वो कौन करता है?
सेवरल ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्टरी, जो फेशियल आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेज है वो क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, किसको, फेरिंग्स को। देन आफ्टर अपना आता है वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज कौन करता है, वीनस ड्रेनेज इज इनटू फेशियल वेन एंड द इंटरनल जुगलार वेन, और जो फेशियल वेन है वो और जो इंटरनल जुगलार वेन है वो क्या करेंगे, अपना वीनस ड्रेनेज करेंगे। नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो जो अपना फेरिंजियल प्लेक्सिस है वो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। और ये किन किन चीजों से मिल, ये जो अपना फेरिंजियल प्लेक्सिस है ये किससे मिलके बनता है, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व, यानी कि पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्व दोनों से मिलके क्या अपना फेरिंजियल प्लेक्सिस बनता है और वो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। द पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई इज मेनली बाय द ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व, जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई है वो कौन करता है, मेनली ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व, वो क्या करती है, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई करते हैं। और जो सिंपेथेटिक है वो कौन करता है, सर्वाइकल गैंग्लिया, जो अपना सर्वाइकल गैंग्लिया है वो क्या करेगा, सिंपेथेटिक टाइप से नर्व सप्लाई करेगा। पैरासिम्पेथेटिक कौन करेगा, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व करेगी, और सिंपेथेटिक कौन करेगा, सर्वाइकल गैंग्लिया करेगा। देन आफ्टर अपना आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर क्या है, ईसोफेगस का डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है, ट्रेकिया दिखाया गया है, लोअर पार्ट किससे कनेक्ट है, अपर पार्ट किससे कनेक्ट है, ये सारी सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। ईसोफेगस क्या है, एक अबाउट 25 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर होता है, लाइज कहां पे होती है, लाइज इन द मीडियल प्लेन इन द थोरेक्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट, इट इज कंटिन्यूस विद द फेरिंग्स अबव द जस्ट बिलो द डायफ्राम, इट जॉइंट टू द स्टमक, ये किससे कनेक्ट रहती है, फेरिंग से कनेक्ट रहती है, और जो लोअर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, डायफ्राम से कनेक्ट रहता है, और जो डायफ्राम से कनेक्ट रहता है वो पार्ट किससे कंटिन्यूस होता है, स्टमक को कंटिन्यूस करता है। इट पास बिटवीन मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम बिहाइंड द सेंट्रल टेंडन एट द लेवल ऑफ 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, ये पास कहां से होती है, मसल्स फाइबर ऑफ द डायफ्राम, और किसके पीछे होता है, सेंट्रल टेंडन, और लेवल कौन सा होता है इनका, 10th थोरेसिक वर्टिब्रा पे क्या है ये इनका पोजीशन होती है। इमीडिएटली द ईसोफेगस हैज पास थ्रू द डायफ्राम, डायफ्राम के पास से क्या है ईसोफेगस है वो पास होता है, इट कर्व अपवर्ड बिफोर ओपनिंग इनटू द स्टमक, जो कर्व है वो क्या है, पहले होती है कहां पे, ओपनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की ओपनिंग से पहले होती है। द शार्प एंगल इज डिवाइडेड टू बी ए वन ऑफ द फैक्टर विच प्रिवेंट द रेगुलेशन बैक फ्लो, जो शार्प एंगल होता है वो क्या करता है, बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। और जो इसका अपर और जो लोअर पार्ट एंड जो है ईसोफेगस के वो किससे कनेक्ट रहते हैं, स्पिंचर से, स्पिंचर क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। स्टमक के अंदर अगर गैस्ट्रिक जूस ज्यादा जाता है, फूड ज्यादा जाता है, तो जो इसके लोअर जो स्पिंचर है वो क्या है, मसल टोन में आ जाते हैं। द अपर पैरेंजियल स्पिंचर प्रिवेंट द पासिंग इनटू द ईसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ ईसोफेजियल कंटेंट, इनटेक और अपन करते हैं उस टाइम पे जो ये स्पिंचर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे, बैक फ्लो से। द कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर प्रिवेंट द रिफ्लेक्स एंड एसिक गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस, कार्डियक और जो लोअर स्पिंचर है वो क्या करेंगे, जो आपके एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट है उनसे क्या है, उनके रिफ्लेक्स से प्रिवेंट करेंगे। देयर इज नो थिकनिंग ऑफ द सर्कुलर मसल्स इन एरिया एट
at this sphincter is therefore physiological. This region can act as the sphincter without the presence of anatomical features. When intra-abdominal pressure is raised during inspiration and the tone of the lower sphincter muscles increase. अगर अपनी जो abdomen है उसके अंदर क्या है pressure बढ़ जाएगा तो क्या है जो lower sphincter उनके अंदर क्या है muscles tone हो जाएगी बढ़ जाएगी. There is an added pinching effect of the contracting muscles fiber of the diaphragm. Next अपना structure of the esophagus. Esophagus की कितनी layer होती है? चार esophagus की layer होती है. As the esophagus is almost entirely in the thorax, the outer covering कौन सी होती है? Outer covering the adventitia consist किससे होती है? Elastic fibrous tissue. नेक्स्ट क्या है प्रोक्सिमल थर्ड. प्रोक्सिमल थर्ड किससे मिलके बनती होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलके बनी होती है. नेक्स्ट क्या है अपनी डिस्टल थर्ड. डिस्टल थर्ड कौन सी होती है? क्लोमुनार एपिथेलियम. लास्ट कौन सी अपनी मिडिल थर्ड. मिडिल थर्ड क्या है? दो के मिक्सचर से मिलके बनी होती है. ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई में अपन ने इसको थोरेसिक और एब्डोमेन दो रीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है. थोरेसिक रीजन को कौन करता है? इसोफेगस इज सप्लाइड मेनली द इसोफेजियल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द आयटा. अपनी जो आयटा की जो इसोफेजियल आर्टरी है वो क्या करती है? थोरेसिक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट अपना आता है एब्डोमिनल रीजन. एब्डोमिनल रीजन को कौन करता है? ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी. जो अपने इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी है वो क्या करती है? एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है. और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच है वो किस एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द सीलिएक आर्टरी. इंफीरियर मेजेंट्रिक इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी करती है और जो आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच है किसकी? सीलिएक आर्टरी की. वो क्या इसको ब्लड सप्लाई करती है. वीनस ड्रेनेज. वीनस ड्रेनेज थोरेसिक रीजन से कौन लेके जाता है? जायगस और हेमिजायगस वेन जो है वो क्या करेंगी यहाँ से ब्लड को रिसीव करेंगी. अब्डोमिनल पार्ट जो है उससे कौन करेगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन करेगी. यहाँ पे क्या होता है? वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है और जिससे क्या है पोर्टल और जनरल सर्कुलेशन से क्या है ये वीनस ड्रेनेज सक्सेसफुल होता है. नर्व सप्लाई की बात करें अपन तो नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक नर्व क्या है यहाँ पे नर्व सप्लाई करती हैं. पैरासिंपेथेटिक फाइबर आर द ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व. नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है आज का वो क्या है? स्टमक. स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन होता है. किसका? एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर ये प्रेजेंट होता है. और इसकी पोजीशन क्या होती है? सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एम्बिलिकल एंड द लेफ्ट हाइपरकॉन्ट्रैक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो जो अपना स्टमक जो है उसकी साइज कैसी होती है? शेप कैसा होता है? जे शेप का वो क्या है? ऑर्गन होता है. और एक ये डायलेटेड पोर्शन होता है. ठीक है, यानी कि फैला हुआ उभरा हुआ क्या है? पार्ट होता है. ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या है? सिचुएटेड होता है. और इसकी पोजीशन क्या है? इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो अपना एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसके अंदर क्या है? अपना स्टमक प्रेजेंट रहता है. तो स्टमक क्या है? एक जे शेप का डायलेटेड पोर्शन है जो क्या है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है. और अपने जो अब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है उसके अंदर क्या है? ये प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक. स्टमक के साथ साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं? तो एंटीरियरली की बात अपन करें तो एंटीरियरली में क्या रहेगा? लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल.
एंटीरियर साइड में क्या रहता है, लेफ्ट लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट अपना आता है पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली में क्या रहेगा, एब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, एडनल ग्लैंड, ये क्या है अपना जो पोस्टीरियर भाग होता है उसके अंदर क्या है प्रेजेंट रहती है। तो जो एब्डोमेन है उसके एंटीरियर भाग में कौन प्रेजेंट रहता है, जो अपना लेफ्ट लोब है किसका, लीवर का, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो क्या करेंगे अपने एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर भाग की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर में क्या रहेगा अपना, एब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एडनल ग्लैंड जो है ये क्या है अपने पोस्टीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुपीरियरली की, सुपीरियरली में क्या रहता है, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। सुपीरियरली में क्या रहेगा, डायफ्राम रहेगा, इसोफेगस रहेगा और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, ये क्या है अपना जो स्टमक है उसके सुपीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इंफीरियरली की अगर अपन बात करें तो इंफीरियरली में क्या रहेगा, ट्रांसवर्स कॉलन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कॉलन और एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपने स्टमक के इंफीरियरली भाग के अंदर प्रेजेंट रहेगी। लेफ्ट साइड की अगर अपन बात करें तो डायफ्राम एंड स्प्लीन रहती हैं और राइट साइड की बात करें तो अपन क्या है, लीवर और ड्यूडिनम है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियरली में, एंटीरियरली में जो अपना स्टमक है उसके साथ कौन से ऑर्गन रहते हैं, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये क्या है अपने जो स्टमक है उसके एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पोस्टीरियरली की बात करें तो पोस्टीरियरली में क्या रहेगा, एब्डोमिनल आयोटा, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एडनल ग्लैंड, ये सारे के सारे किस पे रहेंगे, अपने जो पोस्टीरियर भाग है स्टमक का उस पर प्रेजेंट रहेंगे या इनसे कनेक्ट रहेंगे। सुपीरियरली की बात करें तो सुपीरियरली में कौन से ऑर्गन जो है अपने स्टमक से कनेक्ट रहते हैं, डायफ्राम, इसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ये क्या है सुपीरियरली में इससे कनेक्ट रहते हैं। इंफीरियरली की अपन बात करें तो इंफीरियरली में क्या रहेगा, ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन और जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है इसके इंफीरियर भाग के अंदर कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, डायफ्राम एंड स्प्लीन रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा, लीवर एंड ड्यूडिनम, ये क्या है अपने जो स्टमक है उसके साथ ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर अपना जो डायग्राम दिखाया गया है किसका, स्टमक का, इसके साथ में कौन से ऑर्गन जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर की शेप कैसी होती है, जे शेप का ये क्या है एक डाइलेटेड पोर्शन होता है। क्या है इसका जो अपर एंड है वो किससे कनेक्ट है, इसोफेगस से कनेक्ट रहता है।
लोअर के अंदर क्या है, इसके अंदर पैरोलिक स्पिंचर प्रेजेंट है, ये इसकी लेयर है, ये इसका कर्व है, ये पैरोलिक एट्रियम है, ल्यूमन है, बॉडी है, सीरोसा मेम्ब्रेन है, फंडस है, कार्डिया है, द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस एट द कार्डियक स्पिंचर एंड विद द ड्यूडिनम एट द पैरोलिक स्पिंचर। क्या है, जो अपना स्टमक है उसके दोनों साइड में क्या है, स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, कौन से हैं, पैरोलिक स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर। ये क्या है अपना पैरोलिक स्पिंचर है और ये क्या है अपना कार्डियक स्पिंचर है। इससे क्या है इसोफेगस से कनेक्ट रहता है और इससे क्या है जो लोअर जो है उनसे कनेक्ट रहता है। इट हैज टू कर्व, द लेजर कर्व इज शॉर्ट, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। इसके अंदर क्या है, दो कर्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक कर्व क्या है, द लेजर कर्व इज शॉर्ट, जो लेजर कर्व है क्या है, शॉर्ट होता है, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस है किसकी, स्टमक की, उसके अंदर क्या है ये प्रेजेंट होता है। एंड इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूस वॉज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इसोफेगस। और डाउनवर्ड की तरफ में क्या है, जो पोस्टीरियर वॉल है किसकी, अपनी इसोफेगस की, उससे क्या है ये कंटिन्यूस रहता है। जस्ट बिफोर द पैरोलिक स्पिंचर इज कर्व अपवर्ड टू कंप्लीट द जे शेप। यानी कि जहां पे अपना पैरोलिक स्पिंचर जो है लोअर साइड में जो अपना पैरोलिक स्पिंचर है वहां पे, कि उससे पहले क्या है ये कर्व कंप्लीट हो जाती है और इसका शेप है वो कैसा हो जाता है, जे शेप का हो जाता है। ये जो कर्व जो है ये क्या है, इसको जो स्टमक है उसको जे शेप प्रोवाइड कराते हैं। वेयर द इसोफेगस जॉइन द स्टमक द एंटीरियर रीजन एंगल एक्चुअली अपवर्ड कर्व डाउनवर्ड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्व देन द स्लाइटली अपवर्ड टू द पैरेलिक स्पिंचर। क्या होता है, वेयर द इसोफेगस जॉइन, जहां पे इसोफेगस जॉइन करता है द स्टोमक द एंटीरियर स्टोमक, जहां पे जो इसोफेगस से स्टमक को ज्वाइन करता है, जो एंटीरियर रीजन एंगल एक्चुअली अपवर्ड, जो एंटीरियर एंगल एंगल जो है वो क्या रहता है, अपवर्ड रहता है। एंड कर्व डाउनवर्ड, जो कर्व है वो क्या रहती है, डाउनवर्ड रहती है। एंड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्व देन द स्लाइटली अपवर्ड, और क्या करती है, ज्यादा कर्व को बनाती है और डाउनवर्ड की तरफ अपवर्ड टू द पैरेलिक स्पिंचर, पैरेलिक स्पिंचर की तरफ से। पैरेलिक स्पिंचर क्या है, लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, जो कार्डियक स्पिंचर है वो अपर साइड में प्रेजेंट होता है। तो जो स्टमक है वो क्या रहता है, द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द इसोफेगस, जो इसोफेगस से क्या है अपर पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, इसोफेगस से, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है वो किससे, ड्यूडिनम से, एट द कार्डियक स्पिंचर एंड द ड्यूडिनम एट द पैरोलिक स्पिंचर। इसोफेगस से कौन सा स्पिंचर कनेक्ट कराता है, कार्डियक स्पिंचर कराता है, और जो लोअर पार्ट जो है ड्यूडिनम से कनेक्ट होता है उससे कौन कराता है, अपना पैरोलिक स्पिंचर जो है वो कनेक्ट कराता है। इसके अंदर क्या है, कर्व प्रेजेंट होते हैं, जो कर्व है वो क्या करते हैं, इसको जे शेप प्रोवाइड कराते हैं। जो अपना स्टमक है उसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, तीन भागों के अंदर क्या है डिवाइड कर रखा है, फंडस पार्ट है, बॉडी पार्ट है और एट्रियम पार्ट है। यानी कि जो अपना स्टमक है उसको कितने भागों में डिवाइड किया, फंडस पार्ट में कर दिया, बॉडी में कर दिया और एट्रियम पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। एट द डिस्टल एंड ऑफ द पैरोलिक एट्रियम इज द पैरोलिक स्पिंचर ग्रेजिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड द ड्यूडिनम। जो अपना पैरोलिक स्पिंचर है वो क्या है, डिस्टल एंड होता है किसका, स्टोमक का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो अपना पैरोलिक एट्रियम जो है उसका एट द डिस्टल एंड ऑफ द पैरोलिक एट्रियम, जो पैरोलिक एट्रियम का डिस्टल एंड है वहां पे क्या है अपना पैरोलिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और ये ओपनिंग होती है, ठीक है,
स्टमक और ड्यूडिनम इन दोनों के बीच में, जब भी यानी कि स्टमक से ड्यूडिनम के अंदर जब फूड जाएगा, फूड के कंटेंट जाएंगे, जो अदर अपने एंजाइम्स हैं वो जाएंगे, तो जो अपना पैरेलिक जो स्पिंचर है वो क्या है, ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर ये क्लोज हो जाएगा, अगर ड्यूडिनम की तरफ से कोई भी बैक फ्लो आएगा तो इससे अपने को प्रिवेंट करेगा, कोई भी एयर फ्लो आएगा तो उससे अपने को प्रिवेंट करेगा, कोई गैसेज आएंगे तो अपने को उससे प्रिवेंट करेगा। When the stomach is inactive, the pyrolic sphincter is relaxed. जब अपना स्टमक जो है वो क्या रहेगा, inactive form में रहेगा, ठीक है, उस time पे क्या है अपना जो pyrolic sphincter है वो क्या रहेगा, relax में रहेगा। And open and when the stomach contains food, the sphincter is closed. जब भी अपना food जो है वो क्या है pass हो जाएगा, then after क्या है अपना sphincter है वो क्या close हो जाएगा। Next point अपना आता है वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर क्या है, चार वॉल होती हैं, ठीक है, वही जो अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फोर वॉल प्रेजेंट होती हैं, वही वॉल क्या है यहां पे प्रेजेंट होती हैं, बट इसके अंदर क्या है कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है। सबसे पहले अपनी क्या है मसल्स लेयर है, मसल्स लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो मसल्स लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, थ्री जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं उनसे मिलके बनी होती है। आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से मिलके बनी होती है, मिडिल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर से मिलके बनी होती है, और जो इनर लेयर है वो ओब्लिक फाइबर से मिलके बनी होती है। जो अपनी वॉल ऑफ स्टमक है वो कितने भागों में बनी डिवाइड है, मसल्स लेयर से तीन भागों में डिवाइड है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर किससे, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से मिलके बनी है, मिडिल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर से बनी है, और जो इनर लेयर है वो किससे मिलके बनी है, ओब्लिक फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। इन द रेस्पेक्ट द स्टमक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो स्टमक है वो क्या है, डिफरेंट होता है, अलग होता है किसमें, अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर अदर ऑर्गन्स की तुलना में। इट हैज थ्री लेयर ऑफ मसल्स, इसके अंदर क्या है तीन लेयर होती है किसकी, मसल्स की, और द दिस अरेंजमेंट अलाउ फॉर द मोशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गैस्ट्रिक एक्टिविटी। ये क्या करती हैं, जो अपनी गैस्ट्रिक एक्टिविटी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उनको क्या है अलाउ करती हैं। द सर्कुलर मसल्स इज स्ट्रॉन्ग इन द पैरेलिक एट्रियम एंड स्पिंचर। ये क्या है, जो अपने पैरेलिक एट्रियम पे और स्पिंचर से क्या है स्ट्रॉन्ग, इनको स्ट्रॉन्ग होती है इनसे, ठीक है, और जो अपने जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनको क्या है अलाउ करती है। नेक्स्ट अपने आती है म्यूकोसा। When the mucosa is empty, the mucous membrane lining into throw into the longitudinal fold of rough, and when full, the outer and surface has smooth appearance. ये क्या है, जब अपना stomach है वो क्या है full होता है तब तो क्या है ये open हो जाती हैं, और जब full नहीं होता empty हो जाता है उस time पे क्या है अपने fold के अंदर divide हो जाती हैं। The numerous gastric glands are situated below the surface in the mucous membrane. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है बहुत सारी अपनी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या है प्रेजेंट होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। जो अपना स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है उनसे क्या है ये मिलके बनी रहती हैं। नेक्स्ट अपना है ब्लड सप्लाई। तो जो अपना स्टमक है उसको आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्रांचेस ऑफ द सीलिएक आर्टरी। जो अपनी सीलिएक आर्टरी है वो क्या करती है अपनी ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है वीनस ड्रेनेज करती है किसको, स्टमक को। देन आफ्टर अपनी आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या है यहाँ पे, सिंपेथेटिक सप्लाई जो है वो किस टाइप से होगी, सीलिएक प्लेक्सिस से क्या है अपनी सिंपेथेटिक सप्लाई होगी, और पैरासिंपेथेटिक कौन करेगा,
वेगस नारो करेगी. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ द स्टोमक एंड द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, मोटिलिटी ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, और जो अपना सिक्रेशन है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, उसको क्या है, कम करता है. नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक. गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट क्या है, कहाँ से सिक्रेशन होता है, फंक्शन क्या है, और अपने स्टमक के फंक्शन क्या क्या है. थैंक्स टू ऑल.